जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रोमा की के बारे में बात करूंगा, या भी वीडियो का जो बैकग्राउंड चेंज करना है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 16:9 चूज कर लेना है और यहाँ पे जाके आपका प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट फाइल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, ये जो लेयर है, ये जो है पहला वाला, और यहाँ पर लेयर पर जाऊँगा सेकेंड पे, यहाँ पे सेकेंड जो लेयर है वहाँ पे ऐड करूँगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, जो फाइल है, जो ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, क्रॉपिंग, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा यहाँ पे, और हो गया थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद इसको क्या करूँगा, पूरा राइट तक ले जाऊँगा, पूरा राइट तक ले जाऊँगा, एंड तक ले जाऊँगा। ठीक है, पूरा राइट एंड तक ले जाऊँगा। तो इसको छोटा करूँगा, थोड़ा 10% तक ले जाऊँगा, और यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे आके मुझे ये वाला पे, सेकंड वाला जो लेयर है वहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्रोमा की पे जाना है और एनेबल करना है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करना होगा, डायमेंशन इंटेंसिटी अच्छा करना है, उससे उसे इसको हटा देना है। ठीक है, तो ये हो गया, अच्छे से सेट हो गया। देखो, आपका वीडियो का बैकग्राउंड 2 मिनट में चेंज हो गया। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर चेंज हो गया। ओके, तो उसके बाद मैं प्ले करके वीडियो को देखता हूँ। ठीक है, देखो जितने भी सारे न्यू क्रिएट, देखो ये पूरा का पूरा हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और HD 720 पिक्सल, और इसको 2 Mbps पे रखूँगा या 3 Mbps, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद एक्सपोर्ट पे अगर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपका जो बैकग्राउंड है पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। हाँ, जाते जाते एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।